गाजीपुर के रेवतीपुर गांव निवासी प्रदीप कुमार राय उर्फ बबुआ राय कुछ समय पहले खेती करके लाखों कमा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से पैदावार बर्बाद हो रही है। आपको बता दें कि प्रदीप ने बीए करने के बाद नौकरी की खूब तलाश की, लेकिन नौकरी नहीं मिलने पर निराश होकर घर पर बैठ गए, जिसके बाद अचानक उनके ऊपर क्षेत्र में हो रहे आधुनिक खेती का शुमार चढ़ा और उन्होंने आधुनिक खेती करके लाखों कमाना शुरू कर दिया। प्रदीप ने अलग अलग तरीके की खेती करना प्रारंभ किया। इस समय वे ताइवान के खरबूज की खेती कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन हो जाने की वजह से उनके सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। उनका कहना है कि खेती समय से कर लिया गया और फल भी तैयार हो गए हैं, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से बाहरी व्यापारी नहीं आ पा रहे हैं और ना ही हम लोग अपनी पैदावार को कहीं ले जा पा रहे हैं। इसको लेकर दिन भर परेशान होना पड़ता है। उनका कहना है कि एक एकड़ की खेती में 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लग रहा है कि अब खर्च भी नहीं निकल पाएगा। क्षेत्र के तमाम किसानों की भी यही समस्या है। किसानों ने लगभग हजारों बीघा खेती की है, लेकिन सरकार की तरफ से इन पर कोई ध्यान नहीं देने की वजह से किसान भी मायूस हो गए हैं। आपको बता दें कि अकेले प्रदीप कुमार 100 बीघे की खेती हर साल करते हैं, जिसमें केले की खेती, खरबूज, तरबूज की खेती, साथ ही सब्जी की भी खेती करते हैं। इस दौरान किसान मोनू, दरोगा, अनिल इत्यादि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस चीज की खेती है ये? ये तरबूज है ताइवान की। कितने बीघा लगभग किए हैं आप? हम 2 बीघा किए हैं इस समय। अभी तो मौसम संवार हुई है, मौसम थोड़ा विपरीत हुआ है इस समय, और उसके बाद भी ये खेती बढ़िया अच्छी है। लॉकडाउन में व्यापारी की बहुत दिक्कत है, व्यापारी आ रहे हैं, मनमाना रेट मांग रहे हैं इस समय, 8-7 रुपये मांग रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है फसल? कोई व्यवस्था नहीं है, न जाने की है न व्यापारी आने की है, कोई व्यवस्था नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम आप तक गाजीपुर की खबरों को ऐसे ही पहुंचाते रहें।